तो वही गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, चिलचिलाती गर्मी निकल रही है। और हमारी गाड़ी भी जो है धूप में खड़ी है आज। उस साइड किया नहीं मैंने, क्योंकि पेड़ पे से ना कचरा जो है वो जड़ रहा है, तो मैं बोला चलो धूप में ही रहने देता हूँ। सो लेट्स गो। राधेकृष्ण, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। भाई स्वस्थ और मस्त का तो पता नहीं, ये गर्मी जो है किसी को ना स्वस्थ रहने देगी ना मस्त रहने देगी। और एज यू ऑल नो कि समर वैकेशन सर राउंड द कॉर्नर, बस इक्का दुक्का दिन में समर वैकेशन स्टार्ट होने वाली है। तो आपसे एक गुजारिश है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कहाँ कहाँ का प्लान करें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बिकॉज वी आर ऑल्सो प्लानिंग। तो कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस, क्या पता हम लोग आपस में मिल जाए वहाँ पे। अभी जगह रिवील नहीं करेंगे, पहले आप हमें बताइए, शायद हम लोग मिल जाए। तो बाकी की बातें बाद में करेंगे और बीच में करते रहेंगे। तो अभी जो वीडियो, जिस चीज के लिए वीडियो बन रही है वो है क्या, गाड़ी में बैठे तो यार ऑब्वियसली गाड़ी के लिए ही बन रही होगी या गाड़ी से रिलेटेड बन रही होगी। तो अभी हम कहीं जा रहे हैं, कुछ आपको दिखाने वाले हैं। एंड वी थ्री आर घुमक्कड़ फैमिलीज, हम बग्स नहीं है, वी आर घुमक्कड़ वंस। तो क्या विचार कर रहे हो आप? विचार कर रहा हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं, बताओ बताओ कहाँ जा रहे हैं, ये बताओ जल्दी से। स्टीयरिंग हाथ में है एंड ही इज आस्किंग कि हम जा कहाँ रहे हैं, हो क्या रहा है? मैं सच में रिवील कर दूं, हम स्कॉर्पियन के घर जा रहे हैं, बस ये बताऊंगा। स्कॉर्पियन के मैके जा रहे हैं भाई, आज हम जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम पे। और महिंद्रा के शोरूम पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है महिंद्रा का। yes. और थंबनेल से आपको पता भी चल गया होगा, तो वो प्रोडक्ट आपको दिखाना बनता है। Obviously. और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे, हमारा कर्तव्य बनता है। yes. अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम, हमारे लिए अगर हम देखें अपने नजरिए से तो वो कैसा प्रोडक्ट है, वो हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हालांकि अभी हम ऐसा कुछ प्लान कर नहीं रहे लेने का, बट आप लोगों को दिखा सकते हैं, शायद आपको हेल्प हो एक सही डिसीजन लेने में। तो लेट्स गो। ग्रेटर नोएडा में भी आजकल बहुत कम स्ट्रेच ऐसा मिलता है कि जिसमें आप एकदम से खींच के चला सकते हो गाड़ी को, वरना तो गियर ही चेंज करते रह जाओ। वो सुख बहुत हो गया। हाँ, वो सुख छिन गया। हमें हमारा जंगल ही प्यारा था। लोग ग्रेटर नोएडा को जंगल बोलते थे, जान लगते हैं। तो वही तो जंगल ही पसंद है। वही हम कहना चाह रहे हैं, हमारा जंगल हमें लौटा दो, आप अपने अपने शहरों को लौट जाओ। वही हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, कुछ ही मीटर दूर है बस। और देखो जब पहुंचे तो स्कॉर्पियन के ही दर्शन हुए पहले। ये क्या था, कुछ बुलेरो न्यूज, बुलेरो स्कॉर्पियन का जो नया डीप नाइट ब्लू, क्या बोलते हैं ये लोग, मिडनाइट ब्लू जो 700 का जो कलर था ना, जो लॉन्च कलर था एक्चुअली, उसी कलर में स्कॉर्पियन भी आ गई। और उसके बगल में खड़ी है 700 ब्लैक कलर में, जो पहले नहीं आती थी, अब वो ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। यानी कि दोनों को एक दूसरे का कलर दे दिया ना। yes. और साइड टू साइड यार आना, साइड टू साइड पहुंच गए शोरूम के अंदर। और अपने सामने खड़ी है XUV 3XO, बोलने की जरूरत नहीं है, सामने लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। और ये है AX5 मॉडल, और AX5 मॉडल जो है ये सबसे वैल्यू फॉर मनी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस मॉडल में आपको सारी बेसिक फंक्शनल चीज़ें मिल जाती हैं। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो सामने आपको प्रोजेक्टर हेड लैम्प दिखाई दे रहे होंगे, फॉग लैम्प मिसिंग है वो हम कर सकते हैं, बट DRL अवेलेबल है इसके अंदर हम। और सामने से वो सिग्नेचर ग्रिल, जो ये महिंद्रा का जो ट्रेडिशनल वे है अपनी SUVs को बोल्ड लुक देने का, वो यहाँ पे मेंटेन किया है। सामने से कुछ ऐसी लुक आ रही है। और इसमें क्या है कि ऊपर के मॉडल्स में आपको एडास में मिल जाता है, इसमें नहीं है, इसमें लेकिन जगह दिखाई हुई है, यहाँ पर एडास के फीचर मिसिंग है इसमें। बट एक चीज़ जो इसमें आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रही होगी वो है कि ये थोड़ी सी फीलिंग दे रही है जैसे कि ये डुअल टोन हो,
बट ये ड्यूअल टोन नहीं है, केवल ये जो पिलर है इनको ब्लैकआउट किया गया है और ये है पियानो लुक में एक्चुअली में। तो कुछ हेलो आए कर रहा है, स्टेयरिंग व्हील पे पहुंच चुका है वो, हमसे ज़्यादा तेज है। और जो रियर व्यू मिरर जो है वो ऑटो फॉल्ट मिल जाते हैं इस मॉडल में आपको, ऊपर रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं, और ये भी पियानो फिनिश में है, ये भी पियानो फिनिश में है विद साइड इंडिकेटर, यहीं पे मिल जाता है आपको। और साइड से अगर और देखें तो अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं, 16 इंच के अलॉय हैं इसके अंदर। और ये टायर साइज है 205/65 R16 का। अलॉय का डिज़ाइन कुछ 700 से मिलता जुलता लग रहा है मुझे, नाम भी तो 700 तो मिलता जुलता होगा ही। सो ये इसकी साइड लुक है। ये पियानो लुक जो दी है ये थोड़ा सा ना एड ऑन कर रहा है इसकी एस्थेटिक्स में, लुक जो है काफ़ी अच्छी आ रही है। वेयर एज ये जो है यहाँ पर पियानो फिनिश नहीं है, अगर आप 700 देखेंगे उसमें यहाँ पे आपको पियानो फिनिश मिलती है। मेरे को लगता है शायद टॉप मॉडल में यहाँ पे पियानो फिनिश मिल जाएगी आपको, सिंगल टोन में डबल टोन कट आपको मिल रहा है। यस, और ये वाला जो है ये भी पियानो फिनिश के साथ है। तो भाई पीछे जाने से पहले एक और चीज़, इसमें रियर में और फ्रंट में दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और ये एक अच्छी बात है, ब्रेकिंग को एनहेंस करते हैं ये गाड़ी की। वही इसी के साथ हम आ जाते हैं गाड़ी के पीछे। पीछे जो है ये सबसे पहली चीज़ जो हाईलाइट हो चुकी है वो है कनेक्टिंग लाइट, जो आजकल बड़ा कूल फीचर बन चुका है। साथ में टेल लाइट जो है वो भी LED में आती हैं, और रिवर्स लाइट, और साथ में ब्रेक लाइट। उसी के साथ में ये है ओवरऑल बैक लुक। इसमें एक चीज़ जो मिसिंग दिख रही है वो आप देख सकते हो, नॉर्मल एंटीना यूज़ हुआ है, शार्प फिन एंटीना नहीं मिलता है इसके अंदर, बट रियर वाइपर मिलता है और डीफॉगर मिल जाता है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। बाकी अगर पीछे आ गए हैं तो पीछे डिक्की की कैपेसिटी देखना भी बनता है, तो भाई इन्होंने ऑलरेडी सामान भर रखा है ये इंडिकेट करने के लिए कि कितना सामान आ जाएगा। दो मीडियम साइज बैग यहाँ पर रखे हुए हैं, एक और एक ऐसा बैग रखा है और एक बैकपैक रखा हुआ है। तो भाई आप अपने आप डिसाइड कर लो कि कितना सामान आपको रखना है और कितना आ जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा और बूट स्पेस ज़्यादा होता तो अच्छा रहता। बाकी क्या हम इसको टम्बल डाउन कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, ये आप टम्बल डाउन करो और अपनी कैपेसिटी बढ़ा लो अगर कम लोग हैं तो। ये वाली भी नीचे हो जाती है क्या? ये नीचे नहीं हो पा रही। ओके, ये हो तो जाएगी, यहाँ पर दिया है इसमें। वही ये दूसरा वाला भी हमने टम्बल डाउन कर दिया, यानी कि अगर आप केवल दो लोग ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी सामान रख सकते हो आप, स्पेस बढ़ जाए। साथ ही में कुछ हुक वगैरह दिए हैं, अगर आपको कुछ सामान लटकाना है यहाँ पे तो आप लटका सकते हो। तो भाई ये हो गया हमारा पीछे का लुक, साइड से दिखा चुके हैं ऑलरेडी, और अब हमारा टाइम है गाड़ी के अंदर जाने का। छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे ये पियानो फिनिश यहाँ पर जो इन्होंने दिया है, और जो रूफ रेल्स हैं ये पियानो फिनिश में दिए हैं, जो कि लुक को, ये भी एक पियानो फिनिश एलिमेंट है यहाँ पर जो कि लुक को काफ़ी एनहेंस कर रहा है। तो भाई अब टाइम है गाड़ी के अंदर जाने का, और अंदर जाते ही हमें पता चलता है कि ये डुअल टोन में दिया हुआ है, बीच और ब्लैक कलर में। बीच है या वाइट है ये? बीज, बीज बोलता है, बेज, बेज भाई, बेज है भाई, हमारी अंग्रेजी ऐसी है ही थोड़ी हल्की। ये है हमारा स्टेयरिंग, स्टेयरिंग के ऊपर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, महिंद्रा का लोगो, और ये जो लुक है ये पुरानी XUV 300 से रिजेंबल कर रहा है जो स्टेयरिंग है। उसी के साथ में ये है अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये हमारा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सेंटर कंसोल जो अगर आप देखेंगे ये कुछ ना कुछ, अगर म्यूजिक सिस्टम एक बहुत बड़ा अपग्रेड है इसके अंदर, बट जो सेंटर कंसोल है वो ओवरऑल आपको XUV 300 की याद दिलाएंगे। और जो सेंटर कंसोल को अगर आप पूरा देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारा पियानो यूज़ किया है, और साथ में यहाँ पे भी पियानो फिनिश को यूज़ किया गया है। और सेंटर आर्मरेस्ट को देखते हैं तो काफ़ी गहरा है, काफ़ी कुछ रख सकते हो आप, दो कप होल्डर की जगह है, हमारा ये हैंड ब्रेक, मैनुअल हैंड ब्रेक है, और गियर लीवर। उसी के साथ में ये आ जाता है हमारा, कितना बहरा है जरा बताओ, दिस मच
यस बट लेकिन इसके अंदर आपको टेम्परेचर कंट्रोल नहीं मिलता है, काफी गहरा है, काफी कुछ सामान रख सकते हो आप इसके अंदर, जो कि हम अगर अपने स्कॉर्पियन से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा बड़ा है। उसके बाद में आ जाते हैं तो यहाँ पर, ओ यहाँ पर मिलती है, क्या मिलता है यहाँ पे? कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती उसमें। छोटी छोटी गाड़ियाँ लो, उसमें बड़े बड़े फीचर्स मिलेंगे आपको। तो भाई यहाँ पर आपको ये मिरर मिल जाता है विद लाइट। दिस इज नॉट जस्ट अ मिरर, दिस इज अ वैनिटी मिरर। ओहो, तो भाई कुछ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद में अगर आप आते हो तो यहाँ पर सनग्लासेस रख सकते हो लाइट की। ये चीज़ अगर आप देखते हो तो पूरा स्कॉर्पियो इनका आपको याद दिलाएगा। उसके अलावा ये एक चीज़ है जो महिंद्रा सुधारने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही देंगे जी, डे नाइट मिरर आप ऐसे करो, मैनुअली ऐसे करो, ऐसे करो। तो भाई ये एज इट इज़ महिंद्रा ने मेंटेन किया है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर एक, तो भाई इस गाड़ी के टॉप मॉडल्स के अंदर जो है एडास उभरा हुआ जो पोर्शन है ना, ये आई होप कि दिखाई दे रहा होगा, देखो ऐसे करने पे फील हो रहा है ना ये, राइट, ये पोर्शन जो है इसके अंदर एक सेंसर है। तो भाई ये एडास के फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर भी आपको काफी सारे कनेक्टेड कार फीचर्स मिलेंगे। उसके साथ में जो सबसे डिमांड वाला फीचर है आजकल, लोगों को बहुत चाहिए होता है, वो है सनरूफ। तो भाई इसके अंदर सनरूफ की सुविधा है। एक्चुअली लोगों को नहीं चाहिए होता है, लोगों को चाहिए होता है। यस, ऐसे लोगों को चाहिए होता है। तो भाई ये चीज इसमें आपको मिल जाती है। पीछे चलते हैं अभी थोड़ी देर में, जहां पर कुंज बैठे हैं कि उनको क्या मजा आ रहा है। उससे पहले हम वापस आ जाते हैं अपने सेंटर कंसोल के ऊपर। हाँ जी, कितनी भी नई गाड़ी आ जाए बट बिग डैडी ऑफ एसयूवीज इज हियर, वो नहीं हटेगा महिंद्रा के यहाँ से उधर कॉर्नर में। ओहो यस, वो तो है, वो रहेगा। और एक चीज सामने दिख रही हो 3XO में, आपको एलेक्सा मिल जाती है, राइट, और एलेक्सा से आप सब कुछ चेक कर सकते हो अपनी गाड़ी का, जैसे हे एलेक्सा आस्क महिंद्रा टू चेक माय फ्यूल। तो भाई Amazon Alexa built in आता है, कनेक्टिंग कार फीचर की जैसे हम बात कर रहे थे वो आपको AX5 में मिल जाता है। बट वो बात अलग है कि Alexa आधे बार को सुनती ही नहीं है, उसको नींद बहुत आती है। तो भाई इस बार उम्मीद करते हैं कि वो जो नेटवर्क प्रोवाइडर है उसको इस गाड़ी के लिए वो चेंज कर दें, क्योंकि जो अभी करंट सर्विस प्रोवाइडर है काफी जगह पे उसके नेटवर्क नहीं आते हैं। ये जो सॉफ्ट टच यहाँ पर दिया हुआ है ये काफी हेल्प करता है आपको अपनी एल्बो सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वरना तो ऐसा लगता है कि बस एल्बो ऐसे उछलती रहती है यहाँ पर भी। और ये जो सेंट्रल आर्म रेस्ट है ये भी सॉफ्ट टच में आता है। सीट्स जो हैं वो जूट फिनिश में है, कंफर्टेबल होती है लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गंदी हो जाती है, ये कवर मांगती ही मांगती है। तो भैया वो चीज तो या तो कम्फर्ट ले लो या फिर खूबसूरती ले लो। वैसे खूबसूरत भी काफी लग रहे हैं ये। तो लेट्स गेट बैक टू द बैक सीट। भाई अब पीछे आ जाते हैं रियर सीट पे। तो पहले मैं कैमरे का मोड चेंज कर लूं, वाइड एंगल में ज्यादा बेटर दिखता है। तो भाई पीछे आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और फिर भी पीछे जो है काफी अच्छा स्पेस है, तो लेग रूम के लिए कोई दिक्कत नहीं है और कंफर्टेबली बैठ पा रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट कुशन है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है। बाकी यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए थोड़ी सी जगह है और जो पावर आउटलेट की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पीछे दिया हुआ है, दिस इज़ वेरी गुड। उसके बाद में रियर एसी वेंट है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो जो भी ऑन होगा तो ये पीछे अपने आप आएगा। कुछ ऑफ या ऑन करने के लिए बस आप इनसे इनको ऑफ कर सकते हो कि ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। इसके अलावा कोई नॉब्स इसमें नहीं दिए हुए। तो भाई ये है हमारी XUV 3XO का रियर सीट का एक्सपीरियंस। ये देखो फोन आप ऐसे रख सकते हो कि ये भी पियानो फिनिश में दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच दिया हुआ है और काफी प्रीमियम लुक दे रहे हैं ये नॉब्स जो हैं। तो भाई ये है ओवरऑल लुक, पीछे से अपनी गाड़ी ऐसी दिखाई देती है पिछली सीट से बैठ के, अगर आप आगे डैशबोर्ड को देखते हो तो इट्स क्वाइट प्रीमियम।
कोशिश करते हैं अगर की मिल जाती है तो आपको थोड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में भी दिखाते हैं। मैं फिर से आ गई भैया, ये फिर आ गई हैं हमारा दिमाग खाने के लिए। तो भाई इनका लेग रूम कैसा है? ठीक है, कंफर्टेबल है? थोड़ा लेग सीधे करके बैठो। आदत यहाँ से आदत ना फैल के बैठने की हो गई है। हाँ भाई, मैं सही बताऊँ तो वैसे तो कंफर्टेबल है, बट जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी मेरे हिसाब से। आदत वैसे कंफर्टेबल है, जगह में कोई कमी नहीं है, लेग रूम पूरा बढ़िया है, बट स्टिल फैल के बैठने की आदत हो गई ना, राइट। तो भाई एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो पहले मिस कर दी थी, 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर आते हैं इसके अंदर, तो म्यूजिक सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है यहाँ पे। धुएं उठा देगी, धुएं। अब ऐसा भी ना। अरे 4 स्पीकर है, छोटी गाड़ी है। हाँ। और क्या बच्चे की जान लोगे? सही बात है, इतनी भी छोटी नहीं है यार, ज्यादा बड़ी गाड़ी वाले बन रहे हो। नहीं मतलब लोग छोटी गाड़ी बोलते हैं ना, तो बात हो रखी है। सीट पे दोबारा आ गए भाई, 2 चाबियां मिलती हैं, फुल फ्लैश ऑटोमेटिक। ओके, AX5 में आपको 2 चाबियां मिल रही हैं और दोनों की दोनों जो हैं आपको रिमोट कंट्रोल के साथ मिलती है। ये रो रहे हैं क्योंकि इनको एक मिली थी। तो भाई अब बड़े मॉडल लेने पड़ेंगे ना आपको अगर ऐसी चीजें चाहिए तो भाई इसके साथ में ये कोई सी भी गाड़ी ले लो आप महिंद्रा की, चाबी वही है, ठीक है। कोई अंतर नहीं, कोई बदलाव नहीं भाई। अब हम इसके अंदर चाबी लगाने की जरूरत है क्या? चाबी तो इसके अंदर ऑलरेडी है। तो भाई ये तो टच, ये क्या मजाक है? इसमें तो कोई जगह ही नहीं है लगाने की, इसमें तो टच स्टार्ट है, तो फिर ये क्या है? चाबी रखने के लिए। अच्छा, ये बाहर से अंदर आने के लिए। ओके, तो भाई भाई ये है इसका एक्सपीरियंस, उन्होंने गुड बाय कर दिया इन्होंने, इसकी बैटरी लो है। तो भाई देखते हैं कैसा एनिमेशन आता है इसके अंदर। ये हमने स्टार्ट किया है। ओ तो भैया इसके अंदर जो है अभी बैटरी की कमी है, इसीलिए स्टार्ट होती स्टॉप हो गई। तो भैया हम अपनी अगली वीडियो के लिए बचा कर रखेंगे, और फिर कभी दोबारा अगर शोरूम पे आएंगे तो आपको दिखा देंगे, इस चीज को और डिटेल में दिखाएंगे। बाकी इसमें काफी सारे कनेक्टेड फीचर आते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अलेक्सा आता है, कार ट्रैकिंग, जो एड्रेनोक्स के फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट कर सकते हो, एसी ऑन कर सकते हो अगर आपके पास ऑटोमेटिक वर्जन है, और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है X5 के अंदर। तो ऐसे काफ़ी सारे छोटे छोटे फीचर्स मिलते हैं जो कि बहुत कम्फर्टेबल बना देते हैं आपके एक्सपीरियंस को, कार यूज़ करने के एक्सपीरियंस को। तो भाई एक बार फिर से बाहर आ गए हैं, और अब टाइम है इंजन ऑप्शंस की बात करने का। तो भाई इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पहला है पेट्रोल का जो कि 1200 सीसी का इंजन है और 109 बीएचपी की पावर जनरेट करता है, साथ में 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। वहीं डीजल इंजन जो कि 1500 सीसी का है, फिर से 109 बीएचपी पावर जनरेट करता है और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो भाई ये दोनों इंजन बहुत पावरफुल है और साथ ही में देते हैं बहुत बढ़िया माइलेज। जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो 15 से 18 के बीच की करती है, जो कि एक्चुअली ऑसम है इतने पावरफुल इंजन के लिए। तो भाई अब इंजन की बात हो गई है, तो अब टाइम है कि हम कॉस्ट की भी बात करते हैं। तो लेट्स टेक यू टू द कॉस्ट। तो भाई ये है XUV 3XO का प्राइस लिस्ट। डीजल जो है वो 11,70,000 से स्टार्ट होके 17,80,000 तक जाती है। वहीं पेट्रोल जो है वो 8,90,000 से स्टार्ट होकर 18,35,000 रुपये तक जाती है। तो इसमें हम लोग देख रहे थे AX5, तो AX5 जो है वो अगर आप पेट्रोल में लेते हैं तो आपको पड़ेगी 12,80,000 रुपये की मैनुअल, और वहीं पे अगर आप डीजल में जाते हो, AX5 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन, ये आपको पड़ेगी 14,42,000 रुपये की। ये एक शोरूम प्राइस है ग्रेटर नोएडा का, और इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जिनको आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, तो ये मोटा मोटा प्राइस है आपके लिए। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो XUV 3XO से रिलेटेड। आई होप कि आपके सारी क्वेरीज और आपके सारे सवालों के जवाब आपको पूरी वीडियो में मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट अगर छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो सवाल जरूर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके हर एक सवाल का जवाब दे पाएं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।